आओ मिलकर सोचें एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में, क्योंकि लोकतंत्र को मजबूत बनाना है तो सबसे पहले हम सभी को एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में सोचना है। भारत सरकार से अपील है कि इसके बारे में जरूर से जरूर सोचनी चाहिए, यह सभी आम जनता का राय है। सोनी आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त गांधी स्मारक में हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर सुबह 11 बजे से लेकर अभी तक जो कार्यक्रम हुआ वह जिलाधिकारी महोदय जी भी यहां पर मौजूद रहे, मंडला आयुक्त भी, बहुत सारे ऐसे पदाधिकारी मौजूद रहे जो कि महिलाओं की आन बान शान और शक्ति जो कि हमारे राष्ट्रीय प्रतीक भी मानी जाती है। हमारे लिए देवी देवताएँ से कम नहीं है महिलाएँ। आज हमारे साथ बच्ची जो छोटी छोटी बच्चियों पर अत्याचार हो रही है, घिनौना हरकत हो रहा है, ऐसा बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेगा मेरा भारत और मेरा विश्व। तो आइए हम जानते हैं कि जिस तरह से लोग जो है अपनी प्रतिभा निखार रही हैं, महिलाएं निकाल रही हैं, हम देख रहे हैं कि चांद तारों पर जा रही हैं, राष्ट्रपति बन रही हैं, प्रधानमंत्री बनने का जो है, और वही बहुत सारे अधिकारी बनकर आप सभी सामने हमने रिपोर्टिंग भी आपको दिखाया हूँ। तो ये सब अधिकारी थी, कुछ ना कुछ ये अपने आप में जरूर कुछ शक्तियाँ लेकर यहाँ आई थी। तो आइए हम जानते हैं कि किस तरह से अपनी प्रतिभा बताएंगे। जी स्वागत है जी। नारी है तो आस्था है, प्यार विश्वास हो, टूटी हुई उम्मीदों की एकमात्र आस हो, अपने परिवार के हर जीवन का तू आधार हो, अपने परिवार के हर जीवन का तू आधार हो, इस बेईमानी से भरी दुनिया में, इस बेईमानी से भरी दुनिया में एक तुम ही मात्र प्यार हो, चलो उठो, चलो उठो इस दुनिया में अपने अस्तित्व को संभालो, चलो उठो इस दुनिया में अपने अस्तित्व को संभालो, बल्कि हर दिन नारी दिवस मना लो। चलिए मैडम सामने देखिएगा। ओके सर, ठीक है, नहीं ठीक है। कि इनके अंदर जिस तरह से हमारे भारत में कूद कूद कर प्रतिभा भरी हुई है, मुझे आज जानने की जरूरत है। स्वागत है। क्या आज कार्यक्रम जो कि कितना अच्छा लगा, बहुत अच्छा। और आगे जाने का विचार है जी? आज महिला दिवस है तो कैसा लग रहा है? अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओगी? क्या नाम था जी? कैसा लगा आज जो है आप जो है इस तरह से जो है कार्यक्रम की हो, कितना खुशी होता है? आप कार्यक्रम करके और क्या पहली बात करते हैं? अरे वाह, स्वागत है आपका कि आप ऐसे आगे बढ़ती हो। तो आगे बढ़ोगी ना, देश का नाम रोशन करोगी, देश विदेश में जाके नाम रोशन होगा भारत का। बहुत अच्छा। क्या नाम है? अच्छा लगा ना? में कभी और भी मुलाकात हुआ है? नहीं हुआ ना आपका? हमारे देश की, हमारे राष्ट्र की, जो आप समझते हैं हमेशा हमारा राष्ट्र, जब महिला हमारे बीच में रहकर, हमारी बच्चियां बीच में रहकर और देश की बात करती हैं तो कितना सुंदर लगता है। देश वाकई में हमारा, सबसे पहले हम आपको बता दूं कि यह भारत है।
देवताओं का जिस तरह से पूजा किया जाता है उसी तरह से हमारे बच्चियों का भी नवरात्र में पूजा किया जाता है। यही तो है देवी देव हमारे देश की आन बान शान, जो हम सभी लोगों को आगे ये दिखाएंगी, क्योंकि पुरुषों से ज़्यादा प्रतिभाशाली और पढ़ने लिखने में तेज होती हैं हमारी भारत की बच्चियाँ, ये तो साबित करके दिखा दिए हैं। तो फिर हम आपसे मिलेंगे किसी मुद्दे के साथ, तब तक अपना ख्याल, परिवार देश का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।